वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये उबंटो विंडो आप किस तरह से अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, कहीं पर भी इंस्टॉल किस तरह से आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको पहले देखना चाहिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है और इस विंडो को इंस्टॉल करने के लिए कितनी कॉन्फ़िगरेशन तक हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो बस सिंपल जल्दी से देखते हैं कि पहले यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा सिस्टम है i3 9th जनरेशन 24GB रैम के हिसाब से विंडो 10 इंस्टॉल की हुई है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको कम से कम i3 जो सिस्टम है 4th या 5th जनरेशन का भी चल जाएगा और रैम आपको कम से कम 4 या 8GB तक की चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बस दो आप याद रखिए, उसके अलावा आपके पास विंडो कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ कि इसके लिए सबसे जरूरी है पहले VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स और VMware के साथ आप अपनी जो विंडो रन की हुई है, यानी कि जो आपकी विंडो चल रही है, उसी के अंदर ही आप अपने उबंटो विंडो को चला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कई ड्राइव्स है, और अगर आपके पास केवल सी ड्राइव ही है, एक ही ड्राइव है और आपके पास ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल्ड है उसमें, तो आप उबंटो विंडो उसमें करोगे तो आपकी ये विंडो रिमूव हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे कि देख सकते हो ये वेबसाइट हमने खोल ली है VM वर्कस्टेशन की, और यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेटेस्ट वर्जन 17 नंबर इस वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इस वर्कस्टेशन के सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हो अगर पेड खरीदना हो तो, लेकिन अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में चाहिए तो बस आप एक काम कीजिए, पहले मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ सॉफ्टवेयर नॉलेज प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही सॉफ्टवेयर नॉलेज प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हो कि हाउ टू डाउनलोड एनी गेम सॉफ्टवेयर, या फिर यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर फुल फ्री, यानी कि इन दोनों वीडियो में मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से आप पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही है तो सिंपली आप मेरे चैनल को जब ओपन करोगे तो यहाँ जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर अबाउट इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है यहाँ अबाउट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ अबाउट जो डिस्क्रिप्शन है खुल जाएगा, और रोल डाउन करते ही यहाँ नीचे लास्ट में आप देख सकते हो लिंक्स दिया गया है टेलीग्राम फ्री सॉफ्टवेयर एंड गेम्स का। तो यहाँ से क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर सकते हो, और इस चैनल पर आकर आप कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर जो भी पेड या फुल फ्री में आपको चाहिए वो कंप्लीट आपको यहाँ से डाउनलोड करके आप ले सकते हो। तो आपको सिंपली बस किसी भी गेम या सॉफ्टवेयर का नाम मेरी किसी भी YouTube वीडियो में लिखना है जो भी आपको चाहिए। तो जैसे कि ये वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर है तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास जो VM वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो 16 नंबर का वर्जन है, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर को फिलहाल चला रहा हूँ। तो आप चाहे तो लेटेस्ट वर्जन अगर चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बस आप वीडियो को देख लीजिए जो मैंने प्लेलिस्ट में दी हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो मैं इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूं। पहले इंस्टॉल करने का तरीका तो आपको पता ही है, डबल क्लिक किया और वगैरह इंस्टॉल और सीरियल की भर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहां पर देख सकते हो कि हमारा VM वर्कस्टेशन इंस्टॉल हुआ पड़ा है, और डबल क्लिक करते ही सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर सीरियल की पूछता है तो की दी गई है और सीरियल की भर देना है। और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर मांग रहा है कि अपडेट कर लो, लेटेस्ट वर्जन है, तो अपडेट मत कीजिए अगर आपने कोई भी ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये क्रैक किया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो अपडेट करते ही आपका सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप VM वर्कस्टेशन इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का तरीका।
और अब चलते हैं नेक्स्ट, विंडो को डाउनलोड करने का तरीका। तो यहाँ पर आप सिंपली गूगल पर सर्च करोगे विंडो का नाम लिखकर और इसकी वेबसाइट जो पहले नंबर पे आएगी उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर डाउनलोड ऑप्शन लिखी हुई है, तो डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हो नीचे दो वर्जन देख सकते हो, टू टाइप वर्जन्स। तो यहाँ से आप कोई भी वर्जन जो भी आप चलाना चाहते हो अपने विंडो में तो वो वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कि इस वर्जन के लिए हमें 2 GHz का कम से कम ड्यूल कोर प्रोसेसर या उससे ज़्यादा, यानी कि i3 प्रोसेसर भी आपका चल जाएगा, क्योंकि कोर टू ड्यू i3 से लोअर वर्जन का होता है। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि आपको 4 GB या 8 GB तक कम से कम रैम आपको चाहिए, और जो आपके हार्ड डिस्क में मेमोरी है वो 25 GB या आप चाहे तो 30 या 40 GB तक भी स्पेस, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम यही वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। और अगर आप ये वर्जन भी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर भी लिखा है कि सेम रिक्वायरमेंट ही चाहिए इस वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए भी। तो जो भी आपको चाहिए वो वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारा डाउनलोडिंग आ गया है और हमने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप देख सकते हो कि हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में ये विंडो जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले जब वर्क स्टेशन हमारा ओपन हो जाए तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्क स्टेशन मशीन हम करेंगे, क्योंकि ये विंडो हमने बिल्कुल खाली इंस्टॉल की है तो इसीलिए क्रिएट करेंगे एक नया वर्क स्टेशन। तो क्रिएट करके हम टिपिकल या कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कस्टम सेलेक्ट करके आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी इस विंडो को इंस्टॉल करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वर्जन जो हमने इंस्टॉल करना है कितनी हायर विंडो इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। तो इसमें जो वर्क स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ वर्क स्टेशन के वर्जन से ही दिए गए हैं। और अगर आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हो, जैसे कि ये वेबसाइट में ये दिखाया गया है वर्चुअल बॉक्स, अगर आप इस वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो आपको वर्क स्टेशन की बजाय यहाँ पर विंडोज दिखाई देगी कि आपको कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वर्चुअल बॉक्स में कि आप फिर कभी कभार मतलब सपोर्ट नहीं करती या चलती नहीं या बैटर स्लो होने लगती है या कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसीलिए वर्चुअल बॉक्स से सबसे ज्यादा अच्छा ये VMware वर्कस्टेशन, इसीलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन की ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम अपनी जो विंडो की फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर हमारी विंडो डाउनलोड हुई थी वहां से हम विंडो ओपन कर लेंगे फाइल को। तो देखिए फाइल हमने ओपन कर ली है, नेक्स्ट, और यहाँ पर हम कोई भी नाम अपना दे देंगे, ठीक है, रैंडमली कोई भी आप नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है। तो मैं सेम ही नाम और यूजर नेम वगैरह दे दिया है, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यूजर नेम जो है वो लोअर करेक्टर को पूछ रहा है, तो हमने वैसे ही ABC हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने नाम दे दिया है, नंबर डाल दिया है, और अब हमारी विंडो जो है यहाँ से इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इंस्टॉल कहाँ पर हो रहा है। ये इंस्टॉल हो रहा है डॉक्यूमेंट फोल्डर में वर्चुअल मशीन का फोल्डर बनकर, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये रहा डॉक्यूमेंट फोल्डर। और अगर हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर बनकर आ जाएगा वर्चुअल मशीन नाम का, और उसके अंदर उबंटू विंडो 64 का फाइल आ जाएगी। तो इसीलिए हम चाहे तो यहाँ से लोकेशन इसकी चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास और ड्राइव्स हैं। अगर आपके पास केवल सी ड्राइव है आपके सिस्टम में तो ऐसे ही रहने दीजिए जैसी कॉन्फ़िगरेशन है जी। और अगर आपके पास कोई और ड्राइव्स है
तो आप किसी और ड्राइव को सिलेक्ट करके वहां पर एक न्यू फोल्डर बना लीजिए इस विंडो का, और विंडो के इस फोल्डर में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया है अलग ड्राइव में, जैसे कि देख सकते हो। तो फिर सिंपली ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद हमने बस उस ड्राइव के फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस ड्राइव में हमने इस विंडो को इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसर है, अगर आपके पास प्रोसेसर दो है या एक है, तो जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर मेरे पास 2 का है, मतलब 2 के हिसाब से दिखा रहा है। तो आपका 1 भी हो सकता है, 4 या 8 भी हो सकता है। तो सिंपली आप 2 या 4 रखिए, अगर आपके पास 8 है या 4 है तो 2 ही रखिए, ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी 1 ही रखिए कम से कम, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो रैम बता रहा है 4 GB तक, क्योंकि मेरे पास जो रैम है वो 24 GB तक की रैम है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 GB तक ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो आप चाहें तो इसको 2 GB से कम मत कीजिएगा। तो आप सिंपली बस इसे 2 GB तक कम से कम रखिए, और मैक्सिमम 4 GB तक ले जाइए अगर आपके पास 8 GB या 8 से ज़्यादा GB की रैम हो। तो मैं सिंपली 2 GB की ही रख के नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद जो आपका नेटवर्क लेगा वर्चुअल बॉक्स में, मतलब आपने विंडो चलानी है तो उसमें नेट भी तो चलाएंगे, तो यही जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है, जे माउस के कंट्रोलर या जो भी हमने पेन ड्राइव या कुछ भी लगाने हैं डिस्क या अलग से, तो उसका सिंपली रहने देना है रिकमेंडेड जो दिया गया है। तो इसमें भी नेक्स्ट, और यहाँ से ऑप्शन आपने देखकर सिलेक्ट करनी है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ IDE, SATA या NVMe ऑप्शन भी बनी हुई है। अगर हम इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो अलग से विंडो की ऑप्शन यानी कि 25 GB की जैसे बताई गई थी, तो अगर 25 GB हम या 30 GB की हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारी ड्राइव में 25 GB टोटल भर जाएगी, चाहे विंडो उतनी इंस्टॉल हो या ना हो। चाहे मान लीजिए कि विंडो हमारी सिर्फ 6 GB में इंस्टॉल हो और हमने इनमें से कोई और अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है, तो 25 GB अगर हमने मेमोरी रखी है तो 25 GB पूरी भर जाएगी, चाहे 6 GB की ही विंडो क्यों ना इंस्टॉल हो। तो इसीलिए इसको भी आप रिकमेंडेड पर ही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर सिंपली नेक्स्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी अगर विंडो 6 GB है तो आपकी ड्राइव में सिर्फ 6 GB ही भरेगा डाटा, 25 GB तक नहीं जाएगा। वो 25 GB तक सिर्फ लिमिट है कि 25 GB तक मैक्सिमम जा सकता है, और अगर कम है तो कम ही भरेगा। तो अब हम करते हैं सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एग्जिस्ट वर्चुअल या फिर फिजिकल ड्राइव। अगर हमारे पास ऑलरेडी वर्चुअल ड्राइव बनी हुई है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक अलग से हार्ड ड्राइव है तो उस अलग हार्ड ड्राइव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं क्रिएट ही कर रहा हूँ। तो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर ये देखिए मेमोरी, और यहाँ पर मेमोरी मैं दे रहा हूँ 30 GB तक, और जैसे कि ये सेटिंग रखी हुई है इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीप्लाई फाइल, यानी कि जो भी हमारी फाइल होगी वो अलग अलग मतलब फाइलों में डिवाइडेड हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 6 GB का, तो 6 GB ही रहेगी, 30 GB तक नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सेटिंग भी ऐसे ही रहने दीजिए, और मेमोरी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर जो नाम है ये देख सकते हो, डिस्क फाइल जो बनकर आ रही है वो हमारी इस नाम से सेव होगी डिस्क फाइल। तो ये डिस्क फाइल वहीं पर जाएगी जहाँ पर हमने पहले सिलेक्ट की थी, और अलग से हमने अगर कहीं और रखनी है फिर से हम ब्राउजर को सिलेक्ट करके रख सकते हैं।
तो इसीलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, जहां पर भी पहले हमने सिलेक्ट की थी ऑप्शन वहीं जाएगी। तो फिर हम कर देंगे अब नेक्स्ट। यहां पर देख सकते हो डी ड्राइव पर हमारी विंडो जाएगी और सारी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दी गई है। और अगर आप इसमें कुछ भी और अलग से चेंजेस करना चाहते हो तो कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। तो अब हम करेंगे सिंपली फिनिश। तो ये है वर्क स्टेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो फिनिश हो गई है। फिनिश होने के बाद हमने स्टार्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। चाहे तो मैं इसको बंद करके यहाँ पर देख सकते हो शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन करने के बाद दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि जब आप फिनिश करोगे तो ये ऐसे सारी ऑप्शन बनकर आ जाएगी। सिंपली पावर दिस वर्चुअल स्टेशन या ऊपर पावर बटन बना है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। तो अब हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं बताता हूँ कि विंडो किस तरह से इंस्टॉलेशन करेंगे हम। तो देख सकते हो ये हमारी विंडो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें साउंड भी आपने देखा अभी सॉरी सुना आपने। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज जो भी हमने चाहिए। वैसे तो हम इंग्लिश ही रखेंगे सिंपली लैंग्वेज। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन जैसे कि लिखा हुआ है डाउनलोड अपडेट अगर विंडो डाउनलोडिंग तो इसीलिए इस अपडेट ऑप्शन को मैं बंद कर रहा हूँ ताकि इस विंडो में कुछ भी डाउनलोडिंग ऑप्शन वगैरह आएगी तो वो मैंने ऑटोमेटिक नहीं रखना है, नहीं तो सारा का सारा मेरा डाटा इसमें अलग से भरता जाएगा। इसको सिर्फ मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप डाउनलोडिंग ऑप्शन को टिक रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी विंडो में कुछ भी यानी कि जो Ubuntu विंडो आप इंस्टॉल कर रहे हो इसमें कुछ भी न्यू अपडेशन आएगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे विंडो 10 है आज के टाइम पर हो रही है जैसे या आपके मोबाइल अपडेटिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ और हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन में हम सारी की सारी ऑप्शंस चला सकते हैं या फिर आप मिनिमम इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसमें सिर्फ वेब बेसिक यूटिलिटीज वगैरह ही चला सकते हो। तो नॉर्मल में आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा तो इसीलिए नॉर्मल ही रखिए। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू नीचे। तो अब आप देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि इस ड्राइव को इरेज करना है कि नहीं करना है। हम इसको नॉन ही रखेंगे क्योंकि हमने जो ड्राइव बनाई थी मैंने बताया था कि एक सिंगल ड्राइव नहीं है वो ड्राइव मल्टीप्लाई फाइल्स में जाएगा तो इसीलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे जैसे कि ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऐसे ही रखने के बाद हम सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी जो सेटिंग्स है या पार्टीशन वगैरह सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है ये देखिए, और ओवरराइट के लिए बता रहा है क्योंकि हमने फॉर्मेट नहीं किया है डिस्क को। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे यहाँ से सिंपली। और यहाँ देख सकते हो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब वेट करते हैं इंस्टॉलिंग का। ओके तो यहाँ पर सॉरी पहले टाइम जोन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। ओह इंस्टॉल हो भी गई। नहीं अभी चल रही है इंस्टॉलेशन। यहाँ पर नीचे देख सकते हो नीचे इंस्टॉलेशन चल रही है ऑलरेडी। और यहाँ पर हम अपनी नाम इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने पहले भरा था ABC मैं भर देता हूँ नॉर्मली। और पासवर्ड 123 नाम लोक रह गया था 123 और फिर से 123 सिंपली। चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो ये विंडो अपनी जो ओरिजिनल विंडो है उसके अंदर ही चला रहे हैं। आप चाहे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो या कोई भी नाम रख सकते हो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। तो अब देख सकते हो विंडो इंस्टॉलेशन चल रही है। हमने इंफॉर्मेशन अपनी सारी की सारी भर दी है। तो अब हम वेट करेंगे विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। जैसे कि देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहां से रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ओके तो ये देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चला है। वेट करते हैं थोड़ा सा। देख सकते हो हमारी विंडो हो चुकी है स्टार्ट।
तो ये अब चालू करते हैं विंडो को। 1 2 3 पास करता, ये चालू हो गई। तो देखिए सिंपली विंडो हमारी हो चुकी है स्टार्ट। सिंपली स्किप फॉर 1 2 प्रो वगैरह हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनमें से कुछ नहीं करना, डू नॉट सेंड इन्फॉर्मेशन वगैरह, और लोकेशन सर्विस नेक्स्ट। और यहाँ से हमने जो कोडिंग सॉफ्टवेयर हमें या कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम यहाँ से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो हो चुकी है हमारी, ये देख सकते हो विंडो हो गई है कंप्लीट, और यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और बाकी के सॉफ्टवेयर आप यहाँ डाउनलोड कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, वो आप चला कर देखिए। तो मैंने सिंपली आपको बता दिया है कि विंडो किस तरह से डाउनलोड करनी है, और ये जैसे कि सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विंडो ना स्लो चल रही है। जैसे कि ये देखिए, मैंने अब फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर को ओपन किया है, तो ये देखिए ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लिया है। तो इसीलिए मैंने बताया था आपको कि इस विंडो की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चेक की थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कम से कम 4 GB तक की रैम चाहिए, और हमने तो रैम 2 GB दी थी है ना इसको, तो इसीलिए शायद ये थोड़ा सा स्लो चल रही है विंडो। तो इसीलिए आप अपने सिस्टम में कम से कम 8 GB रैम रखिए। इससे क्या होगा कि 4 GB रैम आप इसको दे देंगे और 4 GB रैम आपका सिस्टम जो चल रहा है उसमें आपको चलने के लिए चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हो, ये रहा मेरा सिस्टम और प्लस ये रही ये विंडो। तो अब आज की वीडियो में आपने देख लिया है कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये हुई कंप्लीट और पावर ऑफ। तो यहाँ से आप चाहे तो डू नॉट शो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा से, जैसे कि यहाँ प्रोसेसर रैम या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उस पर क्लिक करने के बाद आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, मैं चेंजेस करके चाहे इसकी रैम को हाई कर दूंगा, चाहे यहाँ से हाई कर दूंगा, तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन को हाई लो या जैसे आपको चाहिए वैसे ही आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, अब मैंने रैम कर दी है 3 GB तक की। सिंपली आपको बस इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करनी है तो उस पर क्लिक कीजिए और बस अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपको मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और बताइए आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको उस हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी जितने जल्दी मेरे सब्सक्रिप्शन जहाँ आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता मेरे चैनल को, इसीलिए मैं इस चैनल पर वीडियो बहुत ही कम अपलोड कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने अब ये न्यू टेलीग्राम पर ग्रुप स्टार्ट किया है, तो इस पे आप ओपन करके सिंपली ज्वाइन कीजिए चैनल, इस टेलीग्राम ग्रुप को, और मुझे बताइए कि कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी गेम आपको चाहिए मेरे किसी भी चैनल की वीडियो पर कमेंट करके, और वो आपको सॉफ्टवेयर या गेम पूरी कंप्लीट फुल फ्री पेड कंप्लीट मिलेगी यहाँ मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।